इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस के समस्त हमाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। हमालों ने अपनी परेशानी बताते हुए ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नए ठेकेदार द्वारा जब से ठेका लिया गया है तब से काम को हमाल परेशान है। नए ठेकेदार अपने मजदूरों से काम कराने के लिए आतुर है, पुराने मजदूरों को काम से निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए वे कई तरह से हथकंडा भी अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस के हमाल कांति यादव, लक्ष्मण बंजारे और वेद प्रकाश ने बताया कि हम लोग 110 हमाल मिलकर स्टेट वेयर हाउस नागरिक आपूर्ति निगम में लोडिंग एवं अनलोडिंग CMR अनलोडिंग स्केटिंग का कार्य लगभग 40-45 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसी से हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण व बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जिंदगी चल रही है। इतने वर्षों में आज तक हमारे द्वारा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया है। अब जुलाई 2022 में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नियुक्त हमाल ठेकेदार द्वारा हिंदू फर्म के नाम से ठेका लिया गया है। हिंदू युवा मंच के प्रमुख गोविंद राज नायडू एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी इनके साथ मिलकर अभद्र व्यवहार व मारपीट कर भगा देने की बातें कह रहे हैं। बाहरी हमाल से कार्य करा लेने की धमकी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। स्टेट वेयर हाउस में लगभग 110 हमालों के द्वारा हमाली का कार्य किया जाता रहा है। ऐसे में हम और हमारा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। नए ठेकेदार के ऊपर लगाम लगाने की मुख्यमंत्री से मांग की गई है तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सौंपा गया है। मेरे में भी यही प्रॉब्लम है, मेरे LRT आता है उसका पैसा मैं अपना रखूंगा और PDS का भी काम करो हिमालय को बांट दूंगा बोल रहा है। जो LRT काम करेगा वो PDS काम नहीं करेगा और जो PDS काम करेगा वो LRT काम नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है ठेकेदार। अपने लेवर से काम करवाऊंगा कि बोल रहा है और अपने लेवर नान के ही काम करवाऊंगा ऐसा बोल रहा है वो। परेशानी हम लोग को ये हो रही है कि वो अपने लेवर से काम करवाऊंगा बोल रहे हैं, उनका टेंडर सिर्फ PDS का है और वो बाकी और टेंडर है उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं काम में, और हम लोग करेंगे और अगर आप लोग करोगे तो हमारे साथ चलना पड़ेगा नहीं तो अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। और मेडिकल टेस्ट वगैरह मांग रहे हैं तो हम लोग जांच वगैरह करके हम लोग को मांग रहे हैं। हम लोग से यही मांग है कि वो जो PDS का टेंडर लिए गोविंद राज नायडू उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाए, दादागिरी पूरा कर रहे हैं उन लोगों। यही हमारा भाई बाप है और हम अपना समस्या लेकर CM हाउस पहुँचे हैं और हमारा समस्या का समाधान CM हाउस में होना चाहिए। हम CM पाटन विधानसभा का निवासी हूँ और हमारा समाधान सुलझाने की कृपा करें। कि अभी नए ठेकेदार आए हैं गोविंद राज नायडू, वो बोला थे कि मैं अपन हिमाल से काम करा हूँ, मैं जैसे करूँ तैसे तुम्हारा काम करेल पड़ी, नहीं तो मैं तुम्हारा निकाल दूँ। और हम 40-45 वर्ष से पूरा वहाँ काम करत हन, 120 हिमाल हन और हम कोरोना काल में पूरा 120 हिमाल पुराना कोरोना काल में हम अपन जान के न परवाह करते हुए पूरा PDS के काम गरीब जनता के घर घर तक पहुँचा हन। हम घर से 7 बजे निकलत रहन खाना खा के, 8 बजे काम कर चालू करन, तो 7 बजे तक हम कार्य करन और गरीब जनता तक हम चावल न पहुँचान भरे कोरोना में, जिसमें रोड में एक आदमी नहीं निकलती से उसमें हम 120-130 लेबर पूरा काम करके कोरोना काल में हम चावल पहुँचा हन। और हम PDS के काम आज से नहीं 40-45 वर्षों से करा था और यह कि बोलते कि मैं यहाँ मोर हिसाब से काम करूँ तब रखूँ निद्रा रखा मोर लेवल रहूँ, ऐसे हमला धमकी चमकी देते तो एक नाम से हम CM हो साहन। और इमे दुर्गे जी दुर्गे वाले बात नहीं है, इमें पाटन के भी है और करंजा भिलाई है, हथखोज है, धमधा है, कोरिया है और इमें सब मिला के 500 से 700 हम हिमाल कार्य करथन गोदाम में। ठेकेदार के कहना है कि मैं तुम्हारे से काम नहीं कराऊँ, मैं कम आदमी रखूँ, बाकी अपन हिमाल ला काम कराऊँ, मैं तुम्हारे से नहीं कराऊँ काम, मैं कहूँ वो काम तुम्हारा करे लगे, जबकि हमन है पूरा 40-45 वर्ष से हम पूरा कार्य करथन वहाँ। इस अवसर पर कांति यादव, लक्ष्मण बंजारे, वेद प्रकाश, राजेश राजेंद्र कुमार, उदयराम साहू, देवेंद्र कुमार, रोशन लाल, बारले गेंदलाल वर्मा दिवांगन, राजू संतोष कुमार, निषाद KP सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।